बच्चों का जब टिफिन डिब्बा बनाया तो माँ को अपना भी बचपन याद आया। हेलो एवरीवन, मैं हूँ सुधा तिवारी और आप देख रहे हैं मेरा कुकिंग चैनल स्पाइसी अरोमा सुधा की रसोई। टिफिन सीरीज एपिसोड नंबर 6 लेके आई हूँ। आज सुबह के बज रहे हैं 6:15 और चाय से शुरुआत कर रही हूँ अपनी वीडियो की। चाय के साथ साथ टिफिन बनाने भी जा रही हूँ, तो आज के टिफिन में इंटरेस्टिंग क्या है बच्चों के लिए चलिए देख लेते हैं। ये है कच्ची वर्मसली जो इजली घर पे सभी के घर पे अवेलेबल रहती है। गैस ऑन करके थोड़ा सा पानी रखेंगे क्योंकि वर्मसली को हम थोड़ा सा पहले 50% कुक कर लेंगे बॉयल्ड पानी में और छान लेंगे। तो इस पानी में थोड़ा सा सॉल्ट भी डाल रही हूँ ताकि जो हमारी कच्ची वर्मसली है, प्लेन वर्मसली है, उसमें थोड़ा सॉल्टी फ्लेवर भी आए, बिल्कुल फीका फीका ना लगे बनाते हुए। और जैसे ही पानी में बॉयल आएगा हम वर्मसली को उसमें डाल देंगे। कुछ 2 मिनट तक ही हम बॉयल पानी में वर्मसली को पकाएंगे। तो मिक्स वेज वर्मसली है तो इसमें मिक्स वेज ले लिया है, मेरा फ्रोजन मिक्स वेज है। आप फ्रेश वेजिटेबल्स भी ले सकते हैं जिसमें आप मटर, गाजर, बीन्स, गोभी ले सकते हैं। प्याज भी काट लिया है मैंने इसके लिए फ्रेश बारीक। और वर्मसली को मैंने उबलते पानी में डाल दिया है। जैसे ही वो थोड़ा सा कुक हो हम इसे छान लेंगे। तो यहाँ पर वर्मसली हमारी कुक है, उसे उबलते पानी से हम निकाल लेंगे, छान के अलग साइड में रख लेंगे। अगर आपकी वर्मसली ज्यादा कुक हो जाती है तो आप उस पर तुरंत ठंडा पानी डाल दें ताकि इसकी कुकिंग स्टॉप हो जाए। इस साइड में रखते हैं। एक बॉल लिया है, डोरा केक बनाने जा रही हूँ जिसमें 1 कप रिफाइंड फ्लोर यानी कि मैदा लिया है। 1 बड़ा चम्मच भर के हम यहाँ पे कंडेंस्ड मिल्क लेंगे, थोड़ी सी शुगर पाउडर डाला है मिठास के लिए और मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। आप 1/4 कप मिल्क पाउडर ऐड कर सकते हैं। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। दूध के साथ इसका बैटर हम तैयार करेंगे, मिक्स करेंगे बिना लम्स के। बैटर ऐसा होना चाहिए, मतलब इतना पतला होना चाहिए कि ये फ्लोइंग कंसिस्टेंसी में हो। जब आप इसे तवे पर डालें तो ये अच्छे से फैल जाए, फ्लैट हो जाए। 1 टेबल स्पून भर के मैंने यहाँ पे मेल्टेड बटर डाला है। आप घी भी डाल सकते हैं लेकिन बटर डालें तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। मिक्स करेंगे। इस बैटर को सेट होने के लिए साइड में रखते हैं, तब तक हम अपनी वर्मसली को तड़का मार लेते हैं। फ्लोइंग कंसिस्टेंसी है, आप देख सकते हैं। तो इसमें और भी कुछ चीज़ें ऐड होंगी, तब तक इसको रेस्ट पे रखते हैं। यहाँ पे वर्मसली बना लेते हैं। पैन रखा है, तेल डाला है, थोड़ा बटर डाला है, राई से तड़का मारा है और इसके बाद यहाँ पे करी पत्ता डाल दिया है। करी पत्ता जैसे ही चटक जाए यहाँ पे कटा हुआ बारीक प्याज डाल देंगे। प्याज को और कटी हुई सब्जियों को डाल के हम ढक कर कुक करके अच्छे से पका लेंगे। बचपन भी कमाल का था, खेलते खेलते चाहे छत पर सोएं या जमीन पर, कब नींद आ जाती थी पता ही नहीं चलता था। क्या सारे मॉम्स के भी अपने बचपन के ऐसे ही कुछ मीठे एक्सपीरियंस रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थोड़ा सा नमक ऐड किया है, मिक्स किया है। सब्जी को थोड़ी देर धीमी आंच पर ढक कर पका लेंगे। तो यहाँ पे सब्जी ऑलरेडी अच्छे से पक चुकी है। मिक्स करेंगे और इसमें कोई भी आप टेस्ट मेकर मसाला डालें या फिर आप गरम मसाला भी डाल सकते हैं। और इसके बाद आप अपनी पहले से कुक की हुई वर्मसली को ऐड करेंगे। थोड़ा सा अगर ये चिपक गई है तो आप पहले हाथों से इसे अलग अलग कर लेंगे और फिर इसमें ऐड करेंगे। और बस आप धीमी आंच पर इसे सब्जियों के साथ थोड़ी देर चला लेंगे और आपकी यहाँ पे तुरंत बहुत ही डिलीशियस टेस्ट के साथ मिक्स वेज वर्मसली तैयार है। इसे साइड में रखते हैं और चलते हैं डोरा केक के बैटर की तरफ। डोरा केक स्पंजी और सॉफ्ट और फ्लफी बने तो इसके लिए यहाँ पे बेकिंग पाउडर का ऐड करेंगे। बेकिंग पाउडर 1/2 टीस्पून डाला है, मिक्स करेंगे। इसके बाद यहाँ पर थोड़ी सी हनी डालेंगे, 1 टेबल स्पून या फिर 1.5 टेबल स्पून हनी यूज करेंगे, इसमें डालेंगे। और यहाँ पे बेकिंग सोडा डाला है जो 1/4 टीस्पून है। कुछ बूंदे मैंने इसके ऊपर विनेगर की डाली है, व्हाइट विनेगर, और मिक्स करेंगे। बस अब तुरंत बैटर तैयार है फ्लोइंग कंसिस्टेंसी में। तो यहाँ पे तवा रखेंगे। तवा अभी गैस ऑन नहीं है। जब आप इस पर बैटर डालेंगे डोरा केक बनाने के लिए, पहले तो आप थोड़ा सा तेल डाल के इसे वाइप ऑफ कर लेंगे, ग्रीस कर लेंगे तवे को। गैस अभी ऑन नहीं किया है। एक मेजरिंग कप लेंगे जिससे आपका सारा डोरा केक एक ही साइज का बने। तो कोई भी एक मेजरिंग कप सेट कर ले और उसके हेल्प से आप तवे पे बैटर को डालेंगे। बैटर डालने के बाद गैस को ऑन करेंगे क्योंकि अगर तवा गर्म होगा तो बैटर अच्छे से फैलेगा नहीं। तो पहले बैटर को फैलने देंगे ठंडे तवे पे, फिर गैस को ऑन करेंगे, धीमी आंच पर ही पकाएंगे। कुछ 40 से 50 सेकंड लगेंगे एक साइड पकने के लिए और फिर आपको इस तरह से अच्छा सा ब्राउन कलर मिलेगा जैसा कि डोरा केक का होता है। दूसरी साइड पलट के धीमी आंच पर सिर्फ 20 सेकंड ही पकाएंगे और यहाँ पे एक डोरा केक बनके तैयार है। ऐसे ही बचे हुए सारे बैटर के साथ डोरा केक बना के रख लेंगे। टिफिन के लिए डोरा केक बनेगा तो कक्षा के दोस्तों में इम्प्रेशन जमेगा। 2 पेयर यहाँ पे आपको बना के दिखा रही हूँ। 1 कप मैदा के साथ आपके
तीन पेयर डोरा केक बन सकते हैं। एक पीस को लेंगे, इसके ऊपर चॉकलेट स्प्रेड अप्लाई करेंगे। कोई भी मिक्स्ड फ्रूट जैम भी आता है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। चॉकलेट स्प्रेड लगे हुए पीस के ऊपर दूसरा प्लेन पीस सेट करेंगे और इस तरह से थोड़ा किनारे किनारे से इसे दबा लेंगे ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। बच्चों के चेहरे पर खुशियों की रौनक देख कितना खुश होते हैं बच्चे खाकर डोरा केक। तो यहाँ पर मिक्स वेज बमसली और डोरा केक दोनों ही बनकर तैयार है बच्चों के टिफिन के लिए। दोनों चीजें अगर आप एक से दो लोगों के लिए बना रहे हैं तो कुछ एक से डेढ़ घंटे लग सकते हैं। आप इस डोरा केक को इस तरह से नैपकिन पेपर पे रैप करके रात को ही बना के फ्रिज में रख सकते हैं और सुबह बच्चों को फ्रिज से निकालकर सीधे टिफिन में पैक कर सकते हैं। और मॉर्निंग में सिर्फ आप मिक्स वेज वर्मसली बना ले और आपके टिफिन बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाएगी। डोरा केक ऐसी रेसिपी है, बच्चे क्या बड़े भी खाना पसंद करेंगे। बेटी के लिए टिफिन तो पैक किया ही मैंने, साथ के साथ डोरा केक को मैंने भी इंजॉय किया। क्योंकि कौन कहता है कि मैं जिंदा नहीं, बस बचपन ही तो गया है, बचपना नहीं। Just look at this, it's looking so delicious. Tiffin series का next episode पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन बटन दबाएं जिससे आपको आगे आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके और आप मेरी नई वीडियो मिस ना कर पाएं। एक दिन पहले काजू रोल बना के रखा था वो भी टिफिन में इंक्लूड कर रही हूँ। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय।